तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लासिक 350 के रेडिच सीरीज़ के बारे में, और इसका मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसका प्राइस चल रहा है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और क्या इसमें कुछ नए अपडेट्स आए हैं, सारी बातें करेंगे। मेरा नाम है संदीप कैंथ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी राइडिंग व्हील्स। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस अमेजिंग वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर जो बाइक खड़ा है ये है रेडिच सीरीज़ का ग्रे कलर, और बहुत ही फाइन कलर है। ब्लैक के साथ ये डार्क ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन आता है। और हमेशा की तरह सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसके व्हील से। तो आप व्हील देख सकते हो दोस्तों, इसमें सारे स्पोक्स में आते हैं और ब्लैक पाउडर कोटेड में आ जाता है दोस्तों। ये सिंगल चैनल ABS में ये वाला जो वेरिएंट है दोस्तों आता है, और इसमें ट्यूब टाइप जो है वो टायर्स आ जाते हैं जो कि सीएड के मिलते हैं दोस्तों, और 190 के टायर आते हैं दोस्तों जो कि 19 इंचेस के हैं। और ये दोस्तों बाइक जो है आप देख सकते हो, इसमें जो डिस्क ब्रेक है दोस्तों वो ABS में फ्रंट वाली आती है, और 300 mm की इसकी ब्रेक आ जाती है दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों इसके मड गार्ड की, तो आप देख सकते हो सारा मेटल में आती है। वैसे तो जो सारी जो बाइक है दोस्तों वो मेटल में आती है। सस्पेंशन की बात करें दोस्तों टेलीस्कोपिक में आ जाते हैं। हेडलाइट की बात करते हैं दोस्तों, हेलोजन टाइप जो है वो इसकी हेडलाइट आ जाती है। उसके ऊपर आप देख सकते हो लाइट के ऊपर कैप लगी हुई है और क्रोम में आ रही है। पायलट लैंप भी बल्ब टाइप आ जाते हैं दोस्तों। और मिरर की बात करें दोस्तों, ये सारे क्रोम फिनिशिंग में आ जाते हैं। और हैंडल बार आप देख सकते हो क्रोम में आ रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और स्विचेस की बात करें दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो हाई बीम लो बीम का स्विच आ गया, और इसमें जो है पास का भी साथ में दिया हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे इंडिकेटर का स्विच आ गया, यहाँ पे हॉर्न आ गया दोस्तों, और आई बटन भी दिया हुआ है। अगर आपने कुछ इसके मीटर के अंदर जो है वो आपने कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों USB पोर्ट दिया हुआ है कि अगर आपको कुछ चार्ज करना, अपना फ़ोन चार्ज करना है तो आप चार्ज कर सकते हो। इधर वाली साइड को दोस्तों देख सकते हो हैज़ार्ड का भी यहाँ पर स्विच दिया हुआ है, और इंजन किल और सेल्फ जो है वो एक ही बटन में दी हुई है दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, एनालॉग प्लस डिजिटल आ जाता है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हो रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे नेविगेशन सिस्टम लगता है लेकिन इसमें नहीं आता, वो क्रोम में आता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो सुंदर लगता है यहाँ पे लगा हुआ है। और फ्यूल टैंक की बात करें दोस्तों, वो 13 लीटर का इसका फ्यूल टैंक आ जाता है, और ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड जो है वो ब्लैक कलर में दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और फ्यूल टैंक की जो कैप है दोस्तों वो क्रोम फिनिशिंग में आ जाती है। सीट की बात करें दोस्तों, जो ये स्प्लिट सीट में डबल सीट में आ जाता है, और ब्लैक कलर का इसका कलर दिया हुआ है। और ग्रैब रेल की बात करें वो ब्लैक में आ जाती है। और रेयर की बात करें दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर जो इसकी लाइट है दोस्तों ये LED में आ जाती है, जो रेयर लाइट है। और इंडिकेटर आप देख सकते हो, और क्रोम और ऑरेंज कलर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। यहाँ पे भी रॉयल एनफील्ड की यहाँ पे ब्रांडिंग आ जाती है। रेयर सस्पेंशन की बात करें दोस्तों, ये 6-way एडजस्टेबल सस्पेंशन आ जाते हैं। और रेयर टायर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 120 cc के 18 inches के इसके चौड़े टायर है दोस्तों, और बहुत ही वाइड है पहले वाले से। और पीछे वाली ब्रेक की बात करें दोस्तों, तो ये जो है ये ड्रम में आ जाती है और ब्लैक कलर में आ जाती है। ये आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से आप देखने को। और साइलेंसर की बात करें दोस्तों, ये सारा क्रोम फिनिशिंग में आ जाता है, फ्रंट से लेके आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसके जो फुट पैग्स हैं यहाँ पर भी रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है। जो ये वाला हिस्सा है दोस्तों, जो जहाँ पे आपको टूल बॉक्स मिल जाता है, इधर वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा प्लास्टिक में लगा हुआ है, लेकिन ये जो है ये मेटल में ही है आप देख सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों मेन इसके इंजन की, तो इंजन आप देख सकते हो सारा ही क्रोम फिनिशिंग में आ रहा है। और दोस्तों ये न्यू J1 सीरीज़ का इंजन है, जो कि 349 cc का इंजन है, 20.2 की BHP ये क्रिएट करता है दोस्तों, EFI इंजन है, और 27 Nm की इसकी टॉर्क है। और इसकी स्मूथनेस जो है वो बहुत ही कमाल की है, और वाइब्रेशन बहुत कम करता है दोस्तों इंजन, और 35-40 इसकी माइलेज जो है वो आराम से आ जाती है दोस्तों। और बात करें दोस्तों इसकी चैसी की, तो आप देख सकते हो ट्विन डाउन ट्यूब चैसी है, जो कि
ये भी एक रीज़न है कि इस बाइक की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी है और वाइब्रेशन कम आती है। दोस्तों जो इस बाइक का प्राइस है वो दोस्तों ऑन रोड पड़ता है 227,300, जिसमें कि आपको दोस्तों 5 साल की इंश्योरेंस मिल रही है, 1+4 RC मिल रही है, हेलमेट कंपनी की तरफ से दोस्तों फ्री मिल रहा है, और इसके साथ रोड साइड असिस्टेंस जो है वो आपको फ्री मिल रही है। कंपनी जो वारंटी दे रही है दोस्तों 3 साल या 30,000 किलोमीटर की वारंटी है, और इस प्राइस के अंदर 1 साल की एक्सटेंड हुई हुई है वारंटी आपकी, मतलब टोटल जो वारंटी है वो 4 साल या 40,000 किलोमीटर की आ जाती है दोस्तों। और मिनिमम डाउन पेमेंट देके आप इस बाइक को बाय कर सकते हो, अराउंड 25,000 डाउन पेमेंट देके आप इस बाइक को बाय कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, टेक केयर।